मैं हूँ डॉक्टर के दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बात वो सोच करके, देख करके, सुन करके आपको भी एक जोरदार झटका लगने वाला है, क्योंकि ये झटका मुझे दूसरी बार लगने वाला है। एक बार प्लेन के टिकट के समय में हुआ था और एक बार अभी ट्रेन के टिकट के लिए हुआ। आपको बताता हूँ चोरी कैसे करते हैं लोग। कुछ लोगों का चोरी करना जन्मसिद्ध अधिकार होता है, कुछ लोग तो चोरी बिन बताए करते हैं, आपके नज़र में धूल झोंक कर करते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ता है, और कुछ लोग हैं जो आपके दिमाग में बैठ करके चोरी करते हैं। इसी में से एक दौर अभी जो चल रहा है, इंटरनेट वेबसाइट का दौर, वेबसाइट से चोरी करना। अभी हाल ही में एक टिकट बुकिंग कराने के चक्कर में मेक माई ट्रिप MMT एक वेबसाइट है जो होटल का भी टिकट बुकिंग करता है और ट्रेन का भी टिकट बुकिंग करता है। इन लोग का मिलीभगत रेलवे से है, रेलवे कर्मचारी से है, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो तो अपना प्लेन से सफ़र करते हैं, उनके पास पैसा है, प्लेन से सफ़र करते हैं, मगर मारे जाते हैं वो गरीब इंसान, वो मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले इंसान, जो ट्रेन से, कुछ तो जनरल से सफ़र करते हैं, कुछ लोग स्लीपर से करते हैं, कुछ लोग एसी से करते हैं। जितने मध्यम गरीब तबके के लोग होते हैं जो रोज़ अपना मेहनत मजदूरी करके अपने सफ़र को तय करते हैं गांव जाने के लिए, शहर से पैसा कमा कर गांव जाने के लिए, उनमें उनके परिवार का कुछ सदस्य जैसे बुजुर्ग से लेकर के बच्चे तक होते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं अपने परिवार को थोड़ा सा सेफ करके चलूँ, रेलवे का आरक्षित टिकट ले करके चलूँ। वहाँ पर मिलीभगत आपके रेल कर्मचारी से होती है, क्योंकि आप कभी भी, रेलवे ने 120 दिन का टाइम दिया है कि आप टिकट बुकिंग करा लीजिए, मगर आज से लेकर 120 दिन का जो बीच का अंतराल है आज से ही चालू हुआ। आज आप टिकट काउंटर पर जाइए और एक कहीं का भी टिकट आप बोलिए कि हमको यहाँ का टिकट बुकिंग करना है, देखिए आपको नहीं भी तो 300 से 400 वेटिंग लिस्ट दिखाएगा, जो ये कभी कन्फर्म नहीं होता। मैं रेलवे मंत्री माननीय सुरेश प्रभु जी से ये जानना चाहता हूँ कि जब इतने दिन का आप अंतराल देते हैं कि आप कभी भी टिकट निकाल सकते हो, तो 120 दिन आज ही है, 120वां दिन, पहला दिन आज है, आज मैं टिकट बुकिंग करता हूं तो वेटिंग कैसे होता है? क्या इतने लोग सब लाइन में लगे हुए हैं और इतना जल्दी काउंटर खुलते खुलते बुकिंग कर लेते हैं? ये आपके कर्मचारियों की मिली भगत है सुरेश प्रभु जी, और ये जो हो रहा है गरीब इंसान इसमें पीसते जा रहा है, आपका कुछ भी नहीं होता, आपको तो इसकी भनक तक नहीं लगती होगी क्योंकि आप प्लेन से सफर करते हैं, ट्रेन से भी नहीं करते होंगे। अभी हाल ही का मैं घटना एक बता रहा हूं, मैक माई ट्रिप जो वेबसाइट है इस पर हमने टिकट बुकिंग कराया। टिकट बुकिंग कराते ही मेरा पैसा अकाउंट से कट गया और वहां से आ रहा है कि आपका टिकट बुकिंग नहीं हुआ, फेल कर दिया। हमारी बातचीत जब हमने कॉन्टेक्ट किया उनसे तो बोले कि आपका टिकट 24 घंटे में हम कर देंगे, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो उनसे हमारी बातचीत चल रही थी वो भी हमारे पास है। जब आज हमने उनसे बात करने जा रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। हमने बोला कि भाई हमारा पैसा कट गया, हमारा पैसा रिटर्न दो, तो बोलते हैं कि आपको वेट करना पड़ेगा, 2-4 दिन आपका टाइम लगेगा। मैं पूछता हूँ आप वेबसाइट से इमिडिएटली आज पैसा डालते तो आज मिल जाता है, तो आप अगर रिफंड करना चाहें तो मुझे अभी का अभी क्यों नहीं मिल सकता है? यानी यही हुआ ना कि आप मेरे पैसे को यूज करके, और यूज क्या करना, पैसा मेरा कट गया तो कोई बताने वाला भी नहीं है, कोई बोलने वाला भी नहीं है, मेरे साथ धोखा हुआ तो मैं किसको बोलूं, कौन सुनने वाला है? ये तो मैं अपने दोस्तों का, मेरे चाहने वालों को बता रहा हूँ कि कोई ऐसे चीटर, ऐसे जो वेबसाइट फ्री का वेबसाइट या कहीं ना कहीं धोखाधड़ी करने वाला, वैसे वेबसाइट से बचे जिसका नाम, एक नाम ये भी है मेक माई ट्रिप। तो कृपया दोस्तों इस नाम से आप बचिए और कभी भी होटल बुकिंग या टिकट बुकिंग इस नाम से न करें, क्योंकि जो मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ इनका, क्योंकि इन्होंने सोचा कि डिजिटल इंडिया बना करके, डिजिटल इंडिया का एक संदेश देकर के अपने नौजवानों को आगे लाए, कुछ मैसेज दें, मगर इनके साथ साथ कुछ चोर लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं जो रेलों में धांधली करते हैं, रेल में जो गड़बड़ियाँ करते हैं, टिकट नहीं मिलता है, रेलवे खिड़की पर टिकट वेटिंग दिखाएगा,
मगर वही किसी वेबसाइट पे जाइए तो उनका पूरा लिस्ट खाली दिखाएगा, सब टिकट उनका कन्फर्म मिलेगा कि आप टिकट बुकिंग करा सकते हैं, मगर वहाँ पे बुकिंग होता है तो आपका पैसा बेकार जाता है। कुछ टिकट तो कन्फर्म हो जाते हैं, कुछ टिकट आपका पैसा रिफंड भी नहीं होता है। रिफंड की बात आती है, आपके पास भी इतना कहाँ टाइम है, रोज रोज कॉल करोगे, और कॉल करने के बाद यही बात आती है, वहाँ उनके वेबसाइट पर कुछ मैडम को ऑफिस में रख लिया गया है लोगों के बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को जेब से पैसा कैसे निकालने के लिए ये चोरी हो रही है। वहाँ से मैडम कोई बात करती है, वो प्रोसेस में है, आपका काम प्रोसेस में है, हो जाएगा, आज होगा, कल होगा, एक दिन के बाद होगा, दो घंटे के बाद होगा, ऐसे ऐसे बोल करके टाइम पास करती है। कोई बेचारा आदमी जिसको गांव जाना है, कल का टिकट उसको निकालना है, तो अपने टिकट के चक्कर में लगेगा ना, अब तो ये मैडम से बात करने के उसके पास भी टाइम नहीं है। और मैडम सिर्फ प्रेम से, बहुत प्रेम से बात करती है कि सर आपका काम हो जाएगा, मगर उनका काम कभी नहीं होने वाला। तो ऐसे ऐसे चीटर पे क्यों नहीं नकेल कसा जाता है? इसका मतलब यही हो रहा कि गरीबों का पैसा से हर कोई अपना अपना जेब भर रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है। अगर सुरेश प्रभु जी हमारी बातें सुन रहे हैं, अगर उन तक ये मैसेज जा रहा है, तो कृपया ऐसे ऐसे वेबसाइट पर नकेल कसे और किसी ऐसे गैर में ऐसा वेबसाइट लागू करने का उनका जो प्रावधान है उसमें संशोधित किया जाए या उनको कैंसिल किया जाए, ऐसे ऐसे जो भी वेबसाइट लेकर गए, क्योंकि इससे पैसे वाले नहीं, आम पब्लिक, गरीब इंसान पीसता है, गरीब आदमी बढ़ता है, गरीब की हाय किसी को नहीं छोड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो, मैं आपको बातें जो बता रहा हूँ, जो आप बीती, आप मेरी घटना है, मेरे साथ हुआ है, मैं उस वेबसाइट का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, उनका ईमेल आईडी सब कुछ भेजता हूँ और देख लें। और जो भी हो इस वेबसाइट से, जिसका नाम है मेक माई ट्रिप MMT, से कोई भी टिकट बुकिंग न करें, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सिफारिश करता हूँ, ताकि मेरे जैसा कोई और इंसान इनके चंगुल में ना फंसे और अपना पैसा और अपना समय दोनों जाए अपना करें। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करें और मुझे आप SMS कर सकते हैं। बस आपका, मैं चाहता हूँ कि कोई चीट न करे, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर सके, आपको ये मैं संदेश देता हूँ। इतना देर सुनने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार।